इसराइल पिछले 9 महीनों से गाजा में हमास के लड़ाकों से जूझ रहा है। इसी बीच ईरान से भी उसका सीधा संघर्ष हो चुका है। दोनों में युद्ध छेड़ने तक की नौबत आन पड़ी थी। लेबनान से भी इसराइल को कड़ी टक्कर मिल रही है। इन सब के अलावा अब यमन के हूती विद्रोही भी इसराइल से सीधा भिड़ने लगे हैं। लड़ाके ड्रोन से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। इजरायली बलों के मुताबिक हूती विद्रोही 200 से ज्यादा बार इसराइल पर हवाई हमले कर चुके हैं, मगर बीते 19 जुलाई 2024 की दरमियानी रात को हूतियों के एक ड्रोन ने इजरायली सुरक्षा कवच को भेदते हुए राजधानी तेल अविव में जमकर तबाही मचाई, जिससे इसराइल का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। अकेला आयरन डोम ही नहीं बल्कि सी डोम और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों के ड्रोन के आगे गच्चा खा गए। यही वजह रही कि ड्रोन ने अपना काम करते हुए एक इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में एक इजरायली शख्स की मौत समेत करीब 10 लोग घायल हो गए। खास बात है कि इस हमले के बेहद करीब ही अमेरिकी दूतावास भी था, जो फिलहाल इस खतरे से बच गया है। मगर इस दावे से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हूतियों के निशाने पर अमेरिका दूतावास भी हो सकता था। अपनी सरजमी पर हूतियों के पहले ड्रोन अटैक से बौखलाए इसराइल ने भी तुरंत यमन के पोत पर जबरदस्त हमला कर अपना हिसाब चुकता किया। इस हमले में बिजली स्टेशन और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि हूतियों पर जोरदार हमले के बाद भी इसराइल शांत नहीं बैठा है। इसराइल ने हूती ड्रोन की घुसपैठ पर जांच बिठा दी है। बताया जा रहा है कि हूतियों के हमले ने एक बार फिर मानव रहित विमान यानी यूएवी के खिलाफ इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को सामने ला दिया है। यूएवी अपनी धीमी गति, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण हाई स्पीड रॉकेट मिसाइलों के मुकाबले राडार में आने से बच जाते हैं। इन यूएवी ड्रोन को ट्रैक कर पाना और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से रोक पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते ये दुश्मन देश की सीमा में चकमा देकर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने भी इसराइल में खलबली मचाने वाले ड्रोन के बारे में बताया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रेडार तक के चंगुल से बच निकलता है। इजरायली सेना ने हमलावर ड्रोन को ईरान का बताते हुए कहा कि ये लेटेस्ट समद 3 ड्रोन है। हालांकि हूती समूह ने इसे खुद का ड्रोन बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेड समद 3 एक हूती यूएवी है जो 2.8 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन 4.5 मीटर है जबकि इसकी रेंज करीब 1500 से 1800 किलोमीटर है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। खास बात है कि यमन से तेल अविव की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि हमले में इस्तेमाल किया गया यूएवी या तो समद सीरीज ड्रोन का अपग्रेडेड या कोई अन्य मॉडल हो सकता है। दावा है कि तेल अविव पर हमला करने वाला हूती ड्रोन एक समद 3 ड्रोन था। इसका पेलोड कम कर दिया गया था जिससे वो ज्यादा दूरी तय कर सके। समद सीरीज में जासूसी और स्ट्राइक ड्रोन की एक अच्छी खासी लिस्ट है, जिसमें समद 1 स्पाई यूएवी और समद 4 3 मीटर लंबा स्ट्राइक ड्रोन है। हूती लड़ाके कासिफ 1 और कासिफ 2 के आत्मघाती ड्रोन भी ऑपरेट करते हैं, जिन्हें कम लागत वाले और कम ऑपरेशनल रेंज वाले यूएवी माना जाता है। कासिफ सीरीज के ड्रोन की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। हाल ही में इन्हीं ड्रोन्स ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटिश वॉरशिप को निशाना बनाया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही इसराइल के लिए नया सिरदर्द बनकर सामने आए हैं।